एक्सक्यूज मी, जरा बताना आपकी लाइफ का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट क्या है? पैसा, हेल्थ या टाइम? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा टाइम, लेकिन अगर आप बारीकी से सोचो तो आज टाइम से भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका अटेंशन। सी दिस, बट सोचो इन रीसेंट आर्टिकल्स में अटेंशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है। इसे समझने के लिए एक बार इमेजिन करो कि आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो और इस काम को आप अपने फुल फोकस के साथ कर रहे हो। इस समय आपका अटेंशन एक बीम ऑफ लाइट की तरह है और आपने इस बीम ऑफ लाइट को अपने डेस्क, कंप्यूटर या किसी बुक पर डाल रखा है। पर फिर अचानक आपके बगल में रखे हुए फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा है योर फ्रेंड सेंट यू अ फोटो। अब ये बीम ऑफ लाइट आपके डेस्क से हटकर आपके फोन के ऊपर आ जाएगी। फिर आप माइंडलेसली अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगोगे और फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको जानकर कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी एड दिखाएगा जिसके बाद आप भूल ही जाओगे कि आप बस कुछ देर पहले ही कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे थे। एंड फिर आपके फोकस की वो बीम ऑफ लाइट जो आपके काम पर लगातार पड़ते रहने चाहिए थी, वो लाइट अब बिना किसी पर्पस के इधर उधर शिफ्ट होते रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस बीम ऑफ लाइट की बिना एक लिमिट होती है। दिन के हर बीतते हुए मिनट के साथ इस लाइट की पावर भी कम होते जाती है और दिन के एंड में एनर्जी, पावर इतनी बचती ही नहीं कि आप अपने फोकस की इस बीम ऑफ लाइट को पूरा यूज कर पाओ। और बस कुछ इस तरह हम चाह कर भी अपना फोकस किसी एक चीज पर लगा ही नहीं पाते। बट दोस्तों, आज मैं ऑथर क्रिस बेली की बुक हाइपर फोकस से इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि कैसे हम बिना भटके अपने अटेंशन की बीम ऑफ लाइट को उस काम पर टारगेट कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं आपको पहले ही कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन देने के बजाय और ये कहने के बजाय कि आप अपने फोन को उठाकर फेंक दो या फ्लाइट मोड पर डालकर कोई काम करने बैठो, मैं आपको एक एवरग्रीन और डिटेल्ड अप्रोच बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज मेंटल फिटनेस। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ओवरवेट है या बहुत ज्यादा स्किनी है तो उसकी इस हेल्थ कंडीशन का रीजन क्या हो सकता है? कोई भी समझ जाएगा कि रीजन या तो गलत डाइट होगा या फिर गलत लाइफस्टाइल, जैसे कि ज्यादा जंक फूड खाना और एक्सरसाइज ना करना एक सबसे कॉमन रीजन हो सकता है। बट क्या आपको पता है कि ये सेम चीज आपके ब्रेन पर भी अप्लाई होती है? और अगर आप भी अपने फोकस को 5 मिनट से ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हो तो फॉर श्योर आपको अभी से ही इस वीडियो को छोड़ने की अर्ज हो रही होगी। एंड ध्यान से सोचो तो उस ओवरवेट आदमी में और आप में बस फर्क इतना ही है कि यहाँ आपकी बॉडी की जगह आपका माइंड है जो कि अनहेल्दी स्टेट में है। और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। जैसे एक ओवरवेट इंसान रेगुलर जिम जाकर और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकता है, वैसे ही आप भी कुछ रेगुलर मेंटल एक्सरसाइजेस के जरिए अपने फोकस और अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बेटर बना सकते हो। बट एग्जैक्टली कैसे? देखो, जब हमें जिम में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर बढ़ानी होती है तो हम पूरी जान लगाकर हैवी वेट उठाते हैं। ये हैवी वेट उठाने में हमें शुरुआत में बहुत एफर्ट लगता है, पर फिर धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि हमारी बॉडी को कुछ टाइम बाद वो हैवी वेट्स भी नॉर्मल लगने लगते हैं। सिमिलरली अपनी मेंटल हेल्थ और फोकस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी आपको शुरुआत में कुछ ऐसी एक्टिविटीज और मेंटल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिसमें आपको शुरू में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा, जैसे एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर कोई बुक कंप्लीट करना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, लॉन्ग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना एटसेट्रा। एंड ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम करने में ज्यादा फोकस की नीड होती है। फिर उस काम को फोर्सफुली करके आप अपने ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज करते हो। फिजिकल वर्कआउट सेशंस की तरह ये प्रोसेस भी शुरुआत में थोड़ा पेनफुल जरूर होता है, पर धीरे धीरे आपका माइंड उन सारे मुश्किल कामों के लिए ट्रेन हो जाता है। इसलिए फोकस इंक्रीज करने को ठीक उसी तरह समझो जैसे आप जिम जाकर बॉडी बनाने को समझते हो। शुरुआत में डेली 1 घंटा फोर्सफुली अपने माइंड को फोकस करने के लिए ट्रेन करने वाली एक्टिविटीज करना शुरू करो। दूसरा पॉइंट है फिक्स योर डाइट। हमारी बॉडी में चल रहे अलग अलग फंक्शंस के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और बॉडी को ये एनर्जी मिलती है फूड से, जो फूड हम डेली कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली हमारे माइंड में आने वाले थॉट्स और आइडियाज, मतलब बेसिकली जो हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं, उनकी क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम डेली किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। देखो, जो फूड बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, हाई कैलोरी वाला होता है, बहुत ज्यादा ऑयली और मीठा होता है, ये सब हमारी बॉडी के लिए जंक फूड कहलाता है। ठीक वैसे ही क्रिंज कंटेंट, प्रैंक शॉर्ट वीडियोस, पॉर्न वीडियोस, क्लिकबेट कंट्रोवर्शियल वीडियोस एटसेट्रा, ये सब हमारे माइंड के लिए एक जंक फूड होता है। वैसे तो इस जंक फूड को कभी कभी कंज्यूम करना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ जंक फूड पर ही सर्वाइव करते रहोगे तो आपका अटेंशन स्पैन सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स का रह जाएगा।
आप चाहकर भी लंबे समय तक फोकस कर ही नहीं पाओगे। बट क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली इस तरह के कंटेंट का इम्पैक्ट आपके माइंड पर किस तरह पड़ता है? एक स्टडी से ये पता चला है कि हर इंसान इंस्टाग्राम या फेसबुक के एक पोस्ट पर ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 सेकंड स्पेंड करता है और उसके बाद वो दूसरे कंटेंट को कंज्यूम करने लगता है। बाकी की सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर भी लोग एक कंटेंट पर सिर्फ कुछ सेकंड्स ही स्पेंड करते हैं। इसीलिए तो यूट्यूब भी आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स प्रमोट कर रहा है। और पता है, इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से हमारे ब्रेन को क्विक स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है और फिर लंबे टाइम तक किसी एक चीज पर फोकस करना बहुत मुश्किल होने लगता है। देखो, शुरुआत में एंटरटेनमेंट के लिए लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, जिसे खत्म करने के लिए उन्हें कई दिन लग जाते थे। फिर लोग टीवी देखने लगे, मूवीज देखने लगे, जिसमें डोपामिन रिलीज होने के लिए और कंप्लीट एंटरटेनमेंट के लिए कम से कम एक कंटेंट को 3 घंटे तक लगातार देखना पड़ता था। फिर लोग यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस देखना शुरू हुए, जिसके लिए उन्हें कुछ मिनट्स तक एक कंटेंट को लगातार देखना पड़ता था। और अब जमाना है रील्स और शॉर्ट वीडियोस का, जिसने फोकस और अटेंशन स्पैन को घटाकर इतना कम कर दिया है कि लोग सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद ही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए हमें हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, वैसे ही अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए हमें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और पॉडकास्ट जैसे कंटेंट कंज्यूम करने चाहिए, मतलब गुड क्वालिटी कंटेंट, जैसे हमारे चैनल द सूत्रास की वीडियोस। तीसरा पॉइंट है 4 types of work। ऑथर के अकॉर्डिंग हम अपने किसी भी काम को इन 4 categories में बांट सकते हैं: नेसेसरी वर्क, अननेसेसरी वर्क, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क और पर्पसफुल वर्क। बट क्यों, समझाता हूं। नेसेसरी वर्क, जो काम करने में हमें जरा भी मजा नहीं आता पर वो काम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहते हैं नेसेसरी वर्क। इस कैटेगरी में वो सारे काम आते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए नेसेसरी वर्क हुआ पढ़ाई करना, रिसर्च करना, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करना एटसेट्रा। दूसरा होता है अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और ना ही आपको इन कामों को करने में ज्यादा मजा आता है, जैसे मजबूरी में किसी से बात करनी पड़ जाए या किसी की कॉल अटेंड करनी पड़ जाए एटसेट्रा। तीसरा है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो सारे काम हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, उनसे आपको कोई फायदा भी नहीं होता पर उनमें आपको मजा बहुत आता है। और यही वो काम होते हैं जो आपको आपके गोल से दूर ले जा सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे रॉन्ग सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करना, नेटफ्लिक्स, रैंडम आर्टिकल्स देखना एटसेट्रा। चौथी कैटेगरी है पर्पसफुल वर्क। अब ये होते हैं वो काम जो आप करना चाहते हो, जो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ ये काम आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने किसी साइड बिजनेस पर काम करना, अपने किसी स्किल को इम्प्रूव करना एटसेट्रा। अब इन कैटेगरीज को यूज कैसे करना है? देखो, अपनी अटेंशन को प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए दिन की शुरुआत में ही जब भी आप कोई काम करने बैठो तो अपने सभी कामों को इन 4 categories में डिवाइड कर लो और फिर ये एम करो कि आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट और फिर पर्पसफुल कैटेगरी के काम कंप्लीट करोगे। उसके बाद ही अगर आपको कुछ टाइम मिले तो रिलैक्स होने के लिए आप बाकी कैटेगरीज के काम भी कर सकते हो, बट अपने अटेंशन को सबसे पहले इम्पोर्टेंट और पर्पसफुल कामों पर लगाना है। अब चौथा पॉइंट है एक्टिवेट हाइपर फोकस मोड। क्या आपको वो टाइम याद है जब आप अपने किसी काम में फुली इमर्स्ड हो गए थे, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर था और आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था? जब भी ऐसा हुआ था ना, तब आपने उस टाइम पर अनजाने में अपना हाइपर फोकस मोड एक्टिवेट कर दिया था। हाइपर फोकस का मतलब होता है जब आपका पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर लग जाए और इस समय आपके अटेंशन की वो बीम ऑफ लाइट सिर्फ एक सिंगल टास्क पर फोकस्ड हो जाती है लंबे समय तक। और इस स्टेट को अचीव करने के लिए ऑथर हमें एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं जो है आइडिया, यानी इंटेंशन, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन, एलोकेशन ऑफ अटेंशन स्पेस, अटेंशन रीफोकसिंग। बेसिकली हाइपर फोकस अचीव करने के लिए आपको पहले एक सिंगल टास्क चूज करना है और फिर आपको ये कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि आप इस काम में अपना हाइपर फोकस मोड एक्टिवेट करने वाले हो। नेक्स्ट, आप अपने सभी पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रख दो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका फोन, तो उसे तो साइड में रख ही दो और फिर किसी शांत जगह में जाकर बैठ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद अपने पूरे फोकस के साथ उस काम को करना शुरू कर दो। अब नो डाउट आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको अपना फोन चेक करने का मन भी करेगा, यानी आपके अटेंशन की बीम ऑफ लाइट इधर उधर जाने की कोशिश तो करेगी पर आप इस बार कॉन्शियस हो जाओगे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उन थॉट्स में इंडल्ज होने के बजाय आप अपने फोकस को वापस अपने काम पर लगा पाओगे। बट ये जो मैं कह रहा हूँ ये आप एक बारी में अचीव नहीं कर पाओगे, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। ये काम शुरू में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पर धीरे धीरे ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपना कोई काम करने बैठोगे तो आपका जब मन चाहेगा आप अपना हाइपर फोकस मोड भी एक्टिवेट कर पाओगे। सो टू समराइज,
ये थे वो चार पॉइंट जिनकी मदद से आप अपने फोकस को कई गुना इंप्रूव कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।